मैं दावत खिताब दूंगा जनाब फारूक साहब को वो स्टेज पे आए और अपने खिलाफ मैं अपना टाइम ऐसा सबको देता हूँ टाइम दे रहा हूँ इसके बाद मैं इस फाउंडेशन के सदर जनाब असद आजाद साहब को कहूँगा कि वो आए और इसके अगराज मुकासद इस मीटिंग का मकसद यूम यकजहती के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें असद आजाद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली जनाब सिद्धार्थ तारिक हाशमी साहब नदीम इसहाक साहब इब्रार अहमद जाद साहब शौकत एडवोकेट साहब और बाकी तमाम मेहमान ग्रामी जो यहाँ पे तशरीफ लाए छोटी सी काल पे आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया हमारी छोटी सी सोच के लिए छोटी सी सोच जो हम यहाँ ले कर चले हैं उसके लिए आपने हमें टाइम दिया हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं सबसे पहली बात कि जो मेन मीटिंग जो कॉल की गई थी 5 फरवरी के हवाले से यूम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने प्रोग्राम करना है कल उस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाला है हमने हम तो ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है यूम यकजहती बना रहा है लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डालेंगे जो तहरीक बुरहान वानी ने स्टार्ट की उसने एक शहादत पेश की वो चले गए लेकिन सलामती काउंसिल में भी हमारे PM साहब जाके उनने उसका नाम लिया उसकी तो शहादत हो गई लेकिन उनने अपना कंट्रीब्यूट हम उसके साथ एक यकजहती का इजहार करने जा रहे हैं कल तो उसमें भी आपने कंट्रीब्यूट करने दूसरी बात ये कि आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किस गज़वात होते थे या जंग होती थी कुफार के साथ तो वो सारे लोगों को दावत देते थे कि आप आए और अपना अपना हिस्सा डालें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा था कि नबी अगर आप तू चाहता है तो मैं उहद का पहाड़ सोने का बना देता हूँ और ये तेरा पीछे चले हर जगह तेरे पीछे जाएगा जहाँ भी तू जाएगा जो मर्जी तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा लेकिन उस नबी ने भी जो हमें ये पैगाम दिया कि जो भी आप मामला करते हैं वो